चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। गाइस, वेदांती व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी पास्ता। पास्ता से बनने वाले भोजन काफ़ी आसान है बनाने में और बेहद स्वादिष्ट भी होते हैं। मैक्रोनी पास्ता एक माउथ वाटरिंग डिश है जिसे कुछ मसालों और सब्जियों के देसी भारतीय ट्विस्ट के साथ पकाया जाता है। मैक्रोनी बच्चों को बेहद पसंद आती है, इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए देखते हैं इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटा हुआ कैप्सिकम, एक प्याज, एक टमाटर और लहसुन की कुछ कलियां जो मैंने चॉप कर ली हैं, और मैंने लिया है एक कप मैक्रोनी। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। और मैंने लिया है टमाटो केचप, बटर, मिक्स्ड हर्ब्स, नमक और दो स्लाइस चीज़ के। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 2 कप पानी लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल ताकि पास्ता पकते वक्त एक दूसरे को चिपके नहीं। अब पानी में उबाल आ गया है तो हम इसमें मैक्रोनीज डाल देते हैं। इसे मिलाकर थोड़ा सा मिला लें इसे ताकि ये नीचे चिपके ना। देखिए मैक्रोनी जो है लगभग पक गई है। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे ऐसे। अब हम इसका ग्रेवी बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने बटर डाल दिया है। अब हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। लहसुन हमें ज़्यादा भुनना नहीं है, हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब जो टमाटर है वो डाल देते हैं, उसी के साथ जो कटा हुआ शिमला मिर्च है वो डाल देंगे। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं जैसे कैबेज है, गाजर है, आपको जो चाहिए आप वो वेजेस डाल सकते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। मिला लेंगे एक बार और इसे हमें थोड़ा सा पका लेना है। 1-2 मिनट के बाद मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। ये मैं 1/2 कप केचप डाल रही हूँ। इसे मिला लेते हैं। अब जो चीज़ है, चीज़ के स्लाइस, वो हम डाल देंगे। आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 स्लाइसेस लिए हैं। अब इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे। लगभग 1 चम्मच काफ़ी है। पास्ता की ग्रेवी जो है वो रेडी है। अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए हमारा जो मैक्रोनी पास्ता है एकदम तैयार है। इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।